स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, लेसन 121 पार्ट ए, इसमें है DEAR. ओके, इसमें आप पासेज आपको दिया गया, आपको इसको रीड आउट करना है. देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन ओके, देन फर्स्ट देखिए, यहाँ पे एक गर्ल होती है जो कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत परेशान होती है. वो फेस नहीं कर पाती, वो क्या करे. जब भी उस प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे रिएक्ट रिस्पॉन्स करना है, उसको नहीं आता है. देन वो परेशान हो जाती है एकदम. तो अपनी मॉम से जाके पूछती है, मॉम मुझे ये प्रॉब्लम है. तो उसकी मॉम क्या करती है, एज अ वो शेफ होती है, सो वो क्या करती है, 3 पॉट ले लेती है. ओके, उसमें यानी वाटर बॉईल करने के लिए रखती है, एक में पोटैटो, एक में एग, एक में एज अ कॉफी बीन्स डालती है. ओके, देन तीनों को यानी तीनों पॉट को बॉईल कर देती है. जब वो बॉईल हो जाते हैं तीनों, पोटैटो बीन्स एंड कॉफ़ी, देन उसको एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसमें चेंजेस आए हैं. जैसे जो पोटैटो होता है वो हार्ड होता है बट वो सॉफ्ट हो जाता है बॉईल होने के बाद. एग मेल्ट होता है ना एकदम लिक्विड फॉर्म में, देन वो हार्ड हो जाता है. और कॉफ़ी बीन्स एज अ मेल्ट होके एज अ डिलीशियस हो जाती है. तो ये जो डिफरेंसेस है ना, तो एक्सप्लेन करती है कि ऐसी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करना है, वो अपनी डॉटर को एक्सप्लेन करती है. ओके, सो यही पैराग्राफ है. देन इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं. रीड करिएगा, डिस्कस कीजिएगा. ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. ओके, फर्स्ट वन इज, व्हाट डिड द मदर डिसाइड टू शो हर डॉटर इन द किचन. ओके, सिंपल, थ्री पॉट्स एंड पोटैटो एग्स एंड कॉफी बीन्स के साथ उनको बॉइल करती है. देन आपका आंसर ये आ जाता है. वन सेकेंड. ओके, देन लेट द ओके, हाउ डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स रिएक्ट टू बॉइल वाटर. ये आपके करेक्ट आंसर होंगे. सेकेंड है, वट डिड द मदर पुट इन ईच पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर. ओके, पोटैटो एग्स एंड कैरेट. ओके, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए ए बी ओके सी. सो इसमें से आपको चूज करने हैं. ओके, देन आपका आंसर होगा बी, पोटैटो एग्स एंड ग्राउंड कॉफी बीन्स. ओके, थर्ड, व्हाट हैपन टू द पोटैटोज आफ्टर बॉइलिंग, दे बिकम हार्ड. यानी ऑप्शन है इसमें ए बी सी. ओके, सो आपका ऑप्शन आएगा दे टर्न इट सॉफ्ट, यानी बी आंसर है. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आंसर आपके बी हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए. ओके, मैं फिर से आपको करेक्ट आंसर मैं बता दूंगी. एंड फोर्थ आपका है, हाउ डिड द एग रिएक्ट टू द बॉइलिंग वाटर. ओके, ए ऑप्शन बी सी एंड डी. सो आपका ऑप्शन होगा दे बिकम हार्ड. ऑलराइट, फिफ्थ, व्हाट डिड द कॉफी बीन्स डू टू द बॉइलिंग वाटर, ए बी एंड सी. ओके, दे चेंज द वाटर इंटू समथिंग डिलीशियस. ओके, वो मेल्ट हो गया. सो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर है आपका. देन नेक्स्ट है, व्हाट डिड द मदर वॉन्ट हर डॉटर टू थिंक अबाउट रिगार्डिंग टू द डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स. ओके, सो इसमें से भी आपको ऑप्शन चूज करने हैं. देन हाउ दे रिएक्ट टू टफ टाइम, यानी कैसे रिएक्ट करना चाहिए टफ टाइम में, वो चीज़ एक्सप्लेन कर उसकी मॉम ने. ओके, देन सेवन्थ है, विच इन्ग्रीडियंट डिड द डॉटर डिसाइड शी वॉन्टेड टू बी लाइक, द कॉफी बीन्स. ओके, ये आपके कुछ आंसर हैं. ओके, जो मैंने आपको बताया. देन आपके आंसर है, फर्स्ट वन है बी, सेकेंड वन है बी, थर्ड वन है बी, फोर्थ वन है सी, फिफ्थ वन है सी, सिक्स वन है सी एंड सेवन सी. ये आपके करेक्ट आंसर होंगे. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, द नेक्स्ट आपका है
एनर्जाइज यानी एक्टिविटी कराई, इसमें एक्टिविटी कराई जाएगी। पैर में आपको डिवाइड किया जाएगा ए इन ईच पैर। ओके, ए बी सी पेयर में आपको डिवाइड करा जा सकता है, यानी आपकी एक एक्टिविटी होगी। ओके ओके, हाफ स्टूडेंट फ्रॉम पेयर पार्टनर ए इन ईच पेयर शुड प्लेस अ क्रम्बल्ड बॉल ऑफ पेपर और अदर ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर एंड देन टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक, कॉल आउट टू बॉडी पार्ट्स। ओके, एल्बो, फुट, नी। ओके, नी और बैक ऑफ वन हैंड एंड फोर हेड। पार्टनर बी शुड पिकअप द बॉल ऑफ पेपर यूजिंग ओनली दोज टू बॉडी पार्ट्स एंड ब्रिंग इट आउट पार्टनर ए। टेल पार्टनर टू स्विच रोल्स एंड कॉल आउट टू न्यू बॉडी पार्ट। ओके, तो ये आपकी एक्टिविटी रहेगी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ओके, देन यूज ऑफ ईच क्वांटिटीफायर। ओके, यानी क्वांटिटीफायर हम कब यूज करते हैं, जब कोई काउंटेबल चीज होती है, अनकाउंटेबल चीज होती है, उसमें बोला जाता है। ओके, देन इसमें मच एंड मैनी का यूज है, सम एनी क्वांटिटीफायर। सो हमें इनका यूज करना है वो सीखना होगा। ओके, मच एंड मैनी आर यूज विद अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड लिटल एंड फ्यू आर यूज टू इंडिकेट अ स्मॉल अमाउंट। विद लिटल यूज विद अनकाउंटेबल नाउन एंड फ्यू विद काउंटेबल नाउन। सो यहाँ मेंशन है जो लिटल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। सो प्लीज इसको चेकआउट कर लीजिएगा। सम, वी यूज सम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग वी हैव और वांट इन अ पॉजिटिव वे, यानी सम का यूज पॉजिटिव वे में यूज होता है। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम्पल, आई हैव सम कुकीज इन माई हैंड। एनी, वी यूज एनी व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चन और टॉकिंग अबाउट थिंग वी डोंट हैव। एनी का यूज होता है जब हमारे पास कोई चीज नहीं है। ओके, एनी, आई डोंट हैव एनी पेनी, आई हैव सम मनी। ओके, सो ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको क्वेश्चन क्रिएट करने होंगे। ओके, सो ये समझ गए, एनी जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तब हमें इसका यूज़ करना है। एग्जाम्पल, ओके, डू यू हैव एनी पेंसिल, दिस मीन्स आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव पेंसिल सो आई एम आस्किंग इफ देर आर एनी। ओके, सो रिमेंबर, सो रिमेंबर। ओके, वी यूज सम when we are talking about thing we have or want positive. okay, we used any. ये तो आप समझ गए students है ना। then अब fill in the blanks आपको दिए जा रहे हैं इनसे related, quantifier से related, जो कि आपको use करना है, इसकी practice करनी है। okay, इसको समझना है, practice using quantifier, यानी सही से इसके sentences आपको create करने हैं। okay, then कॉन्फिडेंटली इसके सेंटेंसेस आपको क्रिएट करने हैं, यूज करने हैं। फ्लुएंस यानी करेक्शन आपकी करेक्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन द फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपके आगे कुछ हेल्प कर देती हूँ मैं। देन देर आंट एनी एप्पल, क्योंकि नेगेटिव है तो एनी आएगा, नेगेटिव है तो एनी आएगा। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव ऑन योर बुक शेल। ओके, मैनी मैनी, हाउ मैनी बुक्स। एंड कैन यू ब्रिंग सम वाटर। ओके, टू द टेबल प्लीज। एंड डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। एंड फिफ्थ, देयर्स टू मच, अनकाउंटेबल है ये, सो मच यूज होगा यहाँ पे।
ओके आई हैव मैनी फ्रेंड. सेवन ही डजेंट हैव मच पेशेंस टू वेट इन लाइन. एंड हैव यू बोट एनी गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड यार, यानी उसको पता नहीं है उसने बाय किया या नहीं किया. ओके स्टूडेंट्स लेना, देन पार्ट सी में प्रैक्टिस एनी ऑफ दिस एक्सरसाइज इन पेयर, यानी आपको ये पेयर में इस वेबसाइट पे जाके अच्छा प्रैक्टिस करनी है. ओके स्टूडेंट्स लेना, देन जब मैं ये वीडियोस क्रिएट कर लूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि एज अ कंप्यूटर जो हम सीख एफ यू में सीख रहे हैं उसके रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ टाइपिंग पे एज अ एम एस वर्ड एंड क्विजेस की भी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी मैम क्विजेस की, प्लीज़ अगर वीडियो क्रिएट कर सके. सो उनको मैं बदल दूँ जो हमारे प्रीवियस मॉड्यूल हैं, देखिए उनकी पीडीएफ फाइल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट जो न्यू जो अपडेट आया उनसे रिलेटेड क्विजेस की मैं बनाने की कोशिश करूँगी. ओके अपनी पूरी क्यों. ओके सो आई होप ये जो मैंने आपको बताया आपके लिए यूज़फुल रहा होगा पॉइंट टू पॉइंट. प्लीज़ स्टूडेंट के साथ शेयर किया कीजिए एंड प्लीज़ लाइक के बटन को भी प्रेस किया कीजिए. जो न्यू स्टूडेंट है वो लाइक के बटन को प्रेस नहीं कर रहे हैं. ओके मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये बोलने की ज़रूरत है, मैं आपके लिए कितनी वीडियो इफेक्ट के साथ बनाती हूँ ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आपकी लर्निंग इंक्रीज हो सके. तो प्लीज़ आप भी मुझे इम्प्रूवमेंट में हेल्प कीजिए ना. सो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब के बटन पर स्टूडेंट्स साथ शेयर कीजिए. ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.